हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एन केमिस्ट्री की पॉइंट CSIR। दिसंबर 2017 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसका हम डिस्कशन करेंगे कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। जिसमें दिया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन्स इज, कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी हमें बतानी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जो है डिस्कशन करेंगे कि इसका जो है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, हम जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि जो है जिसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी यानी सीक्वेंस क्या था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो पहली बात तो हम करते हैं कि इसका जो है स्टेबिलिटी यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या की स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया जो होती है, सबसे पहले क्या होती है, हम एरोमेटिसिटी देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हम एरोमेटिसिटी देखते हैं कि अगर वह कंपाउंड क्या एरोमेटिक है या क्या है। दूसरी बात देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं रिजोनेंस देखते हैं, उसके बाद जो है हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है यह ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, यानी हमें पहले चेक करना पड़ता है एरोमेटिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बाद रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ऑर्डर जो है ये है, तो इसको हम कहते हैं अरही। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अरही। ठीक है, तो अरही इसका जो है करेक्ट सीक्वेंस है। इसको देखना पड़ता है कि जो है इसकी स्टेबिलिटी हम इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, रीजोन एरोमेटिक का कोई सवाल नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, हम दो चीज़ देख सकते हैं, रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, यानी दो इफेक्ट से हम इसका जो है आंसर निकाल सकते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यानी 3 3 6 2 8, यानी 8 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। ठीक है, यहाँ पे यानी कुल कह सकते हैं यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेट बनेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके साथ क्या है, यह रिजोनेंस है यानी आर इफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यानी रिजोनेंस है, यहाँ पे रिजोनेंस नहीं था, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रिजोनेंस दोनों है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है डबल, यहाँ पर इसका लोन पेयर क्या है रिजोनेंस में है, और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3, यानी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रिजोनेंस यहाँ पर भी है। ठीक है, यानी रिजोनेंस यहाँ भी है, रिजोनेंस यहाँ भी है, 6 6 की बात आती है। अब भी इसका मतलब है कि रिजोनेंस की अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो B और C में कोई एक क्या होगा ज़्यादा होगा, और ये क्या हो गया, वो कम हो गया। ठीक है, तो ए की स्टेबिलिटी सबसे कम, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन बी और सी को देखने के लिए हम पहली बात तो ये करते हैं कि डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो हम अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, रिजोनेंस क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यानी इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं कि तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो हम अगर बात करते हैं डोनर एबिलिटी की, तो हम जानते हैं कि डोनर एबिलिटी अगर हम देखते हैं तो sp2 sp3। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अगर यस यस कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कह सकते हैं यस कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे जानते हैं कि 50% है। ठीक है, और उसी टाइप से क्या है, 25% है यस कैरेक्टर, उसके बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लगभग 33 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 25%, यानी कह सकते हैं कि अगर हम यस कैरेक्टर क्या है दोस्तों, अगर घट रहा है। ठीक है, यस कैरेक्टर घट रहा है, इसका मतलब है कि डोनर एबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, डोनर एबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर डोनर एबिलिटी बढ़ेगी तो कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर रिजोनेंस उतना ही अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, sp3 है, इसका मतलब है कि डोनर एबिलिटी sp3 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp2 की होगी। इसका मतलब है कि यह जो होगा, यह हाइपर कॉन्जुगेशन सॉरी रिजोनेंस जो होगा वह क्या होगा,
जल्दी नहीं करेगा, और यह ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या होगा, यह जल्दी से क्या करेगा, यह रिजोनेंस में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जल्दी देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जल्दी देगा, या कह सकते हैं अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की भी बात कर लें अगर, तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं यह पॉजिटिव चार्ज को जल्दी से क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, और यह क्या करेगा, यह इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से क्या करेगा, यह इसको बैलेंस जल्दी नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम दोनों तरीके से देख सकते हैं कि sp3 है, यह sp3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनर एबिलिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी ये पाई बॉन्ड से, तो कह सकते हैं डोनर एबिलिटी ज़्यादा, इसकी मतलब इसकी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी सी की सी यानी सी वाला जो कार्बोकेटायन है वह ज़्यादा स्टेबल होगा देन दी बी। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो इसका हमें करेक्ट सीक्वेंस यही था CBE। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हमने वहां पर देखा कि जो है इसका CBE जो है इसका करेक्ट सीक्वेंस था, तो यह जो है इसका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालते रहें ताकि मैं उसका आंसर देता रहूँ। थैंक यू।